पर्वशाली भारत की शानदार और यादगार सुबह। आज ही के दिन सन 1950 को हम बने थे लोकतांत्रिक गणराज्य। राष्ट्रीयता की भावना जन जन के चेहरों से व्यक्त होती हुई, पूरा माहौल निखरा और संवरा हुआ। ये संपूर्ण दृश्य कुछ ही देर में भव्यता के नए आकाश छूने लगेगा, जब यहाँ समारोह प्रारंभ होगा और भव्य परेड निकाली जाएगी। हम भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और भव्यता की एक शानदार तस्वीर के गवाह बनेंगे। इस बार समारोह की विषय वस्तु विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है। इस बार के समारोह में नारी शक्ति को केंद्र में रखा गया है। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह, जिसमें माननीय राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी। समारोह में हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नमस्कार। फ्रॉम द कोल्ड क्लाइम्स बट वार्म हार्ट ऑफ दिल्ली, फ्रॉम दीज परफेक्टली प्रोपोर्शन्ड एंड गॉर्जियसली ग्रूम्ड विस्टास, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम एवरी प्राउड इंडियन टू अनदर फेलो सिटीजन, 75th Republic Day greetings. Today, as this mist-mingled morning dawns over Kartavya Path, let us come together from different parts of the country, from different areas, to celebrate as one, lest we forget that we belong to a land which has nourished the seed of civilization, and that we inhabit a country where culture, creativity, and camaraderie interweave to build nationhood. So today, as the tricolor umbrella of national sentiment brings us together, let each of us know and believe that we stand shoulder to shoulder as one, lest we forget. With a seating capacity of nearly 77,000, Kartavya Path today adorned with viewers from all parts of the country. Ganatantra Divas, yani hamara sabse mahatvapurn rashtriya parv, jiska sakshi banne ke liye देश के कोने कोने से और विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। कर्तव्य पथ के दोनों ओर स्थित दर्शक दीर्घाओं में इस वर्ष की परेड बेहद खास है, क्योंकि लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को आज की इस परेड को देखने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पहुँचे हैं अपने परंपरागत परिधानों में। आज का भारत समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है, विकसित भारत है, दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा भारत है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत है। संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर देश की इस गौरवमयी परंपरा का निर्वहन आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मूर्त रूप ले रहा है, नारी शक्ति के उदय और प्रदर्शन के रूप में। Welcome to the grandest parade venue in the country on the most important day of a republic. In a few minutes, we will witness the grand spectacle of our country's military prowess, its scientific developments, glimpses of the rich cultural heritage, all on display. Each year, the parade showcases and celebrates our military might, our diversity in culture, language and traditions, musical and dance traditions, our soldiers, our veterans and our freedom fighters, many of whom are present here at this Kartavya Path. The theme of the Republic Day centers around India, mother of democracy, and Viksit Bharat, or developed India, a day of immense significance as we reaffirm the spirit of freedom. We underscore the sovereignty and self-governance bestowed on us through the Constitution. विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है भारत। यहां बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तमाम विशेषताओं के बीच यहां की अनूठी खासियत है यहां का गणतंत्र। भारतीय गणतंत्र सदियों पुरानी वो अमूल्य परंपरा है जिस पर हर किसी को गर्व है। वेदों से लेकर पौराणिक ग्रंथों में गणतंत्र का गौरवशाली उल्लेख है। बौद्ध काल की बात करें या फिर पाणिनि के
अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, गणराज्यों के वैभव की चर्चा हर जगह है। करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक गणतांत्रिक प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद एक नया आयाम प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 को धूमधाम से मनाए गए पहले गणतंत्र दिवस के बाद से गर्व और गौरव की ये यात्रा जारी है। भारतीय गणतंत्र का मूल है हमारा संविधान। ये देश की शासन व्यवस्था का आधार और पथ प्रदर्शक होने के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये देश की अनूठी सांस्कृतिक विविधताओं को भी पेश करता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बना तो उसमें देशवासियों को सशक्त बनाते हुए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों में समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकारों के साथ संविधान ने हमारे कर्तव्य भी बताए हैं। वर्तमान समय में हर देशवासी सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के साथ कर्तव्यों के प्रति संकल्पित रहे, इसके लिए मौजूदा सरकार ने अनुकूल माहौल प्रदान किया है। आज के भारत में सभी के लिए न्याय और सम्मान है। सरकार की कोशिशों से लोग सशक्त हो रहे हैं। बेहतर वर्तमान के दम पर सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। करोड़ों आकांक्षाओं को साकार करते हुए ये राष्ट्र दुनिया भर में मिसाल कायम करते हुए नए भारत का निर्माण कर रहा है। The atmosphere here at Kartavya Path, reflective of that pride and joy that each one of us feels in our bones when we see and salute our tricolor. We in the commentary box will be from time to time updating you with the different aspects of today's parade. And among them, we must highlight the biggest attraction, which is the flypast by the Indian Air Force that occurs as a finale to this parade. This year, too, they are poised to put up a breathtaking show featuring 51 aircraft from the Indian Air Force, Navy and Army, of which 29 are fighter aircraft. Flying at various altitudes and speeds, these aircraft are channeled into a highly synchronized and seamless continuum, an aerial ballet worth watching. The flypast, of course, as you know, is a huge and complex exercise involving several aircraft, hundreds of personnel, many air bases, and of course, precision in terms of time. 75वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता कर्तव्य पथ हजारों की संख्या में जहां पर आम जनता 42,000 टिकट आम जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और इस आकर्षक परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन्नत सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और उसे पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाईपास्ट। इस वर्ष की परेड के आकर्षक फ्लाईपास्ट में 51 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान शामिल है, हेलीकॉप्टर शामिल है, परिवहन विमान भी शामिल है। देश की वायुसीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स, लगातार उन्होंने कठिन अभ्यास किया है और आज आयोजित होने वाले फ्लाईपास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है भारतीय सेना। फायर।
भारतीय सेना के शौर्य और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे। गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाईपास्ट। इस वर्ष फ्लाईपास्ट में वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान, 8 मालवाहक विमान, 13 हेलीकॉप्टर और एक धरोहर विमान सहित कुल 51 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा तेजस, सुखोई और राफेल जैसे विमानों के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाईपास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी एक खास थीम जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर, तीनों सेनाओं के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। इसमें 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण कर्तव्य। बास की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बास में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर नंबर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट कर्तव्य पथ पर बास फॉर्मेशन कॉल साइन के अंदर उड़ान भरेंगे। इसमें 3 MiG-29 विमान आसमान में अपनी रोमांचकारी उड़ान से सबको कर देंगे चकित। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। अर्जुन फॉर्मेशन में एक C-295 और 2 C-130 विमान अपने प्रदर्शन से आपको रोमांचित कर देंगे। मुझे अत्यंत गर्व है कि मेरे अफसर और वायु सैनिक इस गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट के हिस्सा है। इसके बाद अगले कुछ मिनटों तक आसमान में हैरतअंगेज कारनामों से आपको रोमांच में सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। 200 स्क्वाड्रन की तरफ से देश के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद 2 सुखोई 30 और एक बोइंग E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कर्तव्य दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्र फॉर्मेशन में। I will be flying in 230 MKI aircraft alongside the Embraer aircraft in Netra formation. वरुण फॉर्मेशन में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I 2 सुखोई 30 विमानों के साथ उड़ान भरेंगे। ये मेल अपने आप में शानदार होगा। I'll be flying in Varuna formation along with P-8I in Su-30 MK aircraft. जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 विमान और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। I'll be flying with C-17 as Bheem formation in the Republic Day flypast. आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 4 तेजस विमान डायमंड शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन तेजस। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम 4 तेजस विमान डायमंड फॉर्मेशन में उड़ाएंगे, जिसमें कि 3 विमान विक फॉर्मेशन में होंगे और 4th विमान सामने वाले विमान के बिल्कुल पीछे और नीचे रहेगा। गणतंत्र दिवस की शोभा और बढ़ जाएगी जब 6 जैगुआर विमान एरो हेड शेप में बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत। मेरे फॉर्मेशन में 6 जैगवार है। हम 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एरोहेड फॉर्मेशन में फ्लाईपास्ट करेंगे। इसके बाद राफेल की गर्जना से एक बार फिर गूंज उठेगा कर्तव्य पथ। बजरंग फॉर्मेशन में 6 राफेल विमान अपने हैरतअंगेज कारनामों से सबको कर देंगे स्तब्ध। 1000 फीट की ऊंचाई पर
तीन सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर नंबर 220 स्क्वाड्रन के तीन सुखोई 30 विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन। इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचक और भव्य फ्लाई पास्ट का जिसे वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है। भारतीय वायुसेना भारत का गौरव और यहाँ कर्तव्य पथ पर इस बार सजावट कुछ विशेष है। यहाँ पर भारतीय वस्त्र कला को कर्तव्य पथ के दोनों ओर अनंत सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। 26 राज्यों के 136 विशेष मेहमान यहाँ मौजूद हैं और साड़ियों परिधानों और पर्दों को यहाँ फ्रेम्स में कर्तव्य पथ के दोनों ओर सजाया गया है। इनमें एक 150 वर्ष पुरानी साड़ी भी है और हर फ्रेम के नीचे एक QR कोड है जिसे स्कैन करके उस परिधान और वस्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संस्कृति मंत्रालय की ये पहल और कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र का संदेश देने के लिए विशेष मेहमान 136 विशेष अतिथि अलग अलग दीर्घाओं में यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। विशेष अतिथि जैसा हम सब जानते हैं कुल 77,000 दर्शकों के बैठने की जगह है, 42,000 आम जनता के लिए और 13,000 विशेष अतिथि, और इनमें वो भी शामिल हैं जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया। With 108 episodes to its credit, Mann Ki Baat remains a unique and outstanding radio program, standing out as one of its kind globally. This distinctive initiative, introduced in 2014 by Prime Minister Narendra Modi, establishes a remarkable communication endeavor that forges a direct and informal connection with the citizens of India, addressing a broad spectrum of issues from social initiatives to culture and heritage, youth and education, health and environmental concerns. The radio program serves as a crucial instrument in fostering unity by transmitting the PM's thoughts and perspectives to the public. Its significance transcends conventional governance, acting as a platform that not only imparts information, but also establishes connections, bringing together the diverse fabric of the Indian populace. मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर। मन की बात यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जन जन की बात। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी का प्रसारण हुआ। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सियाराम। राजनीति से अलग हटकर ये कार्यक्रम जन भावनाओं से प्रेरित होता है, यानी मन की बात में लगातार उन मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है जिनका देश और देश के नागरिक हर दिन सामना करते हैं।
गांव से निकला हुआ एक छोटा सा अभियान सेल्फी विद डॉटर को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए मन की बात कार्यक्रम का बेहद सराहनीय योगदान है। हमें नहीं पता था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें टेल एंड पे बॉर्डर के विलेज में भी देख रहे हैं, त्रेवा गांव में। जब उन्होंने लाइव होकर कोई 5.5 मिनट बॉर्डर विलेज त्रेवा में जम्मू में हमसे बात की, ये हमारे लिए गौरवमय बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें ये बात बोल रहे। लगभग हर स्तर पर मन की बात कार्यक्रम ने सकारात्मकता की भावना के माध्यम से परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण को सिरे से नकार दिया है। संभवतः इस कार्यक्रम की सबसे खास एवं रोचक बात ये रही है कि ये देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों के बीच संचार के बेहद लोकप्रिय और सर्वसुलभ माध्यम यानी रेडियो के जरिए एक दूसरे से जुड़ने का साधन बन चुका है। वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बताते हुए देशवासियों को बधाई दी थी और सभी को धन्यवाद भी दिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं और 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा मन की बात का प्रसारण 11 विदेशी भाषाओं में भी होता है। आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम देश के लगभग 90% भौगोलिक क्षेत्र और 98% जनसंख्या तक पहुंचता रहा है। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together, so we're making a lot of history. मन की बात कार्यक्रम की एक और खासियत रही है कि इस कार्यक्रम में ऐसे अनसंग हीरोज को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो देश और दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आए। जो मुझे साहस मिला है वो मन की बात के माध्यम से मिला है। जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को एक बड़ा मंच दिया है और लोगों की सेवा करने का जो मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं और महिलाओं को भी प्रेरित करना चाहूँगी। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने दिल्ली पर्सनली बुलाया, प्रोत्साहन दिया, पूरे दुनिया में इसकी एक बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गई और सबको काम मिला, इतने सारे फार्मर्स को लाइवलीहुड मिला। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात के एपिसोड्स में कोरोना योद्धाओं का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से उन्हें सम्मानित करने की अपील की और देश के नागरिकों को वैक्सीन के विकास के चरणों से अवगत कराया। इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं, घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। 3 अक्टूबर 2014 से अब तक की अपनी अविस्मरणीय यात्रा के क्रम में मन की बात कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है। मन की बात का पावन संकल्प है विकसित, खुशहाल और प्रगतिशील भारत। In fact, it's also very heartwarming to note today that many people who were specially mentioned in the Mann Ki Baat program by the Prime Minister have also been invited here as special invitees by the PMO. A very, very proud and a special moment. And all this in an endeavor to make the parade more participative and more inclusive.
In fact, Prime Minister Modi participated in the Bastille Day celebrations as the guest of honor in July last year in France. Today, Indo-French relations are anchored on principles that have only strengthened over time. With a strong defense partnership at its core, the two nations are committed to the values of mutual cooperation with deep respect for each other's needs and requirements, and they are working together to leverage similar ambitions to empower each other. Two important nations, one in Europe and the other in Asia, with a similar conception of the world, demonstrate once again today that there is a much better chance of creating a multipolar world with cooperation and collaboration, as India warmly welcomes President Emmanuel Macron as the chief guest for its 75th Republic Day celebrations. गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान विदेशी अतिथियों के इस राष्ट्रीय पर्व में आयोजन में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉ. सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और ये परंपरा आज भी 75वें गणतंत्र दिवस पर निर्बाध रूप से जारी है। इस बार के हमारे खास मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस, एक और खास बात है, इस वर्ष रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती मना रहे हैं। कुल मिलाकर ये छठा मौका है जब फ्रांस के नेता मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। और एक और खास बात है कि भारत और फ्रांस आपसी सहयोग से और स्वतंत्र रूप से भी बदलते वैश्विक परिदृश्य में अहम भूमिकाएं निभाते आए हैं। भारत और फ्रांस, विश्वास, सम्मान और प्रतिबद्धता, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और होते जा रहे हैं प्रगाढ़। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है। जहां भी जब भी एक देश को समर्थन की आवश्यकता हुई, वहां दूसरे देश ने उसका भरपूर सहयोग किया। इस रणनीतिक साझेदारी के पूरे हो गए हैं 25 साल। फ्रांस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर। 1950 के दशक से ही फ्रांस सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। भारतीय वायु सेना में पहली पीढ़ी के डसॉल्ट ओरेगन लड़ाकू विमान की खरीद से लेकर हाल के पनडुब्बी और रफाल सौदे तक भारत ने फ्रांस से कई हथियार खरीदे हैं। इसके साथ फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और संयुक्त उद्यमों के जरिए भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयासों में सहायता कर रहा है। भारत फ्रांस मित्रता के सफर में महत्वपूर्ण वर्ष था 1998। 11 मई 1998 जब भारत ने एशिया में उभरती हुई महाशक्ति के रूप में परमाणु परीक्षण किया, तब तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का साथ दिया। पिछले ढाई दशकों में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत आपस में शांति, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश, शिक्षा और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करते रहे हैं। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक सी है। दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्तता में यकीन करते हैं। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की वजह से फ्रांस ने काउंटर टेररिज्म, आतंकियों पर लगाम लगाने और मिसाइल कंट्रोल रेजीम में भारत का साथ दिया है। हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरा योगदान कर रहे हैं ताकि
इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह बेस्टिय डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं इमैनुअल मैक्रों ने सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति मैक्रों की उपस्थिति भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी और आने वाले वर्षों में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। It is a well-established fact that women play an integral part in any society. It is through the empowerment of women that societies can ensure their growth as well, and the government of India has been focused on promoting Nari Shakti in the country. It is committed to improve women's lives and remove any bottlenecks that come in the way of their progress. During the last 9 years, the central government has launched numerous welfare schemes aimed to empower women and make them lead India's development journey. This year, in addition to larger participation of women in the parade, we also have special invitees from various sectors of industry, manufacturing sector, maintenance workers, women space scientists, and many more. Around 13,000 special invitees of the Prime Minister being given the pride of place, making the whole event inclusive, participative, and truly democratic. A republic that is by the people, for the people, and of the people. कर्तव्य पथ पर विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि हर वर्ग की भागीदारी इस समारोह में हो। बहुत ही खास गणतंत्र दिवस समारोह, इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। साथ ही इस बार पूरा समारोह नारी शक्ति पर केंद्रित। इस बार आधी आबादी की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अलग अलग दीर्घाओं में, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर विशेष अतिथि। इस बार राष्ट्रगान के बाद पहली बार परेड की शुरुआत में 100 महिला कलाकार अपनी मौजूदगी का परचम कर्तव्य पथ पर लहराएंगी। ये बदलता भारत है, यहाँ अब महिला अबला नहीं शक्ति है, ये आज की नारी है, नारी तू नारायणी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ सुख और समृद्धि का स्वाभाविक रूप से वास होता है। सशक्त और समर्थ महिलाएं हमेशा से ही भारत की गौरवशाली संस्कृति की पहचान रही हैं। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरी भी एक बेटी है। Women empowerment, I feel really safe and happy right now. गार्गी याज्ञवल्क का शास्त्रार्थ हो या फिर मैत्रेयी और यामी जैसी विदुषियों का ज्ञान, इन विदुषियों, इन ऋषिकाओं ने हमेशा से ही भारत के समाज का मार्गदर्शन किया है। मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नारी तू नारायणी है के ध्येय वाक्य के साथ पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने न सिर्फ नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, बल्कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो नारी को सम्मान मिलना चाहिए वो भी दिया है। इंडिया विजन is not just of development which benefits women, it is of
women led development where women lead the journey of progress. समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ किया गया है। देश में समान प्रतिनिधित्व के लक्ष्य के साथ अमृतकाल में समावेशी संसदीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद से पारित किया गया। द बिल इज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, ताकि लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं की बात प्रबल रूप से रखी जा सके और उनके मुद्दों पर अधिक जोरदार ढंग से चर्चा की जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने की आवाज लंबे समय से उठती रही थी, लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के तत्काल बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे खेलों से लेकर रोजगार, महिला स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज मोदी सरकार के बल पर स्वयं सहायता समूहों से लेकर स्टार्टअप्स और व्यापार के क्षेत्र में महिलाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं इतना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेनर ही नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला ई हार्ट मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला उद्यमियों को समर्पित ऐसा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आज 2.2 लाख से अधिक महिलाएं विक्रेता के रूप में पंजीकृत हैं। साथ ही मुद्रा योजना के द्वारा महिलाएं अपने बल पर उद्यमी बन रही हैं। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, वहीं पीएम आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला। पीएम आवास ने महिलाओं को घर के आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। मोदी सरकार ने 3 करोड़ गरीबों को घर दिए, जिनमें से 75% महिलाओं को दिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 9 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन दिए गए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप। हमसे मीठी हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, ताकि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिले। 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली। मोदी सरकार द्वारा 11 करोड़ जल आपूर्ति कनेक्शन और 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने से भी सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिला। साथ ही मातृत्व अवकाश, मातृत्व लाभ के तहत महिलाओं के लिए वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई है। यही नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बेहतर की जा रही है। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो
या पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को शामिल करना हो, सियाचिन ग्लेशियर जैसे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में महिला अफसर की तैनाती हो, या सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की पहल हो, ये सब इन 9 सालों में संभव हो पाया है। I feel very happy and motivated as a woman. चाहे वो रिक्शा हो या हवाई जहाज, हर चीज लड़कियां चला रही हैं। नारी का सम्मान देश का सम्मान, नारी का सम्मान देश का सम्मान। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 सालों में मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर वोकल फॉर लोकल तक ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनकी वजह से महिलाओं के जीवन में आ गई है खुशहाली, उनके सपनों को मिल गए हैं पंख और वो हो गई हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश के सर्वांगीण विकास में हम महिलाएं पग पग पर साथ हैं, ये हमारी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत। Empowering women, empowering communities, and thus empowering a nation. Kartavya Path on either side, people kitted out in their warm winter woolens. Got up early in the morning, the day dawned a little foggy, but now I think the warmth of the sun slowly warming the bones which were chilled in the morning, absolutely. So January is a cold month in Delhi. And once the parade begins, we shall see faces light up more, the sun climb higher, and of course, excitement will touch the sky. People in their traditional attire, special invitees from different parts of the country. And here, this is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. And the dome that crowns Rashtrapati Bhavan, one of the most distinctive features of the building. This is the Jaipur Column, topped by the Star of India. And here, ready to receive the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, who will arrive here in a short while from now. माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के साथ भारतीय लोकतंत्र की नई भूमिका रेखांकित हुई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन एक ऐतिहासिक क्षण है। उनकी नियुक्ति देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश देती है। हम सब जानते ही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास एक लंबा और सफल राजनीतिक करियर है, साथ ही उनके पास प्रशासन और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान भी है। देशवासियों, 75वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की सलामी लेना कोई मामूली घटना नहीं है, ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है जो समानता के प्रति हमारे संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन पर टिका हुआ है। भारत एक राष्ट्र एक उम्मीद, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है, संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर रायसेना हिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व।
उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मैं आपको कहना चाहूँगी ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है। ये तो चंद्रयान है ना, वेरी गुड। और उनसे मातृभूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवन से कम नहीं है, लेकिन इसमें और चार चांद लगाते हैं उनके कुछ साहसी कदम। उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई फाइटर जेट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। 100 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप है जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से दमक रहा है, जहां कुछ देर के पश्चात देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का आगमन होगा। महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के 5वें गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है, युवा नेतृत्व जिसने हर क्षेत्र में आशातीत विकास किया है, जन भागीदारी सुनिश्चित की है और सबसे खास बात भारत और फ्रांस के जो आपसी संबंध हैं विश्व बंधुत्व पर आधारित हैं, सामरिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1977 में जन्मे हैं श्री इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं। फ्रेंड्स, दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। As was mentioned, India and France enjoy a special bond, and as strategic partners, we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20.
President Emmanuel Macron is the fifth head of state from France to be accorded the honor of being the chief guest at the Republic Day Parade, and the sixth time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since 1976. He has a close relationship with Prime Minister Modi, and France has emerged as one of India's closest partners in Europe. We now would like to learn a little more about this year's Republic Day Parade chief guest, President Emmanuel Macron. फ्रांस एक खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति, मुक्त उत्साही लोगों, शानदार शहरों और स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी दुनिया को आकर्षित करता रहा है। भारत और फ्रांस के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2017 में महज 39 वर्ष की आयु में फ्रांस के राष्ट्रपति बने और साल 2022 में फ्रांस की जनता ने एक बार फिर उन्हें विशाल बहुमत से चुना। Et nous allons gagner! Vive la République! Vive la France! फ्रांस के आमिया में जन्मे इमैनुअल मैक्रों ने यूनिवर्सिटी पाही नॉन्टेर में फिलोसफी की पढ़ाई की और फिर फ्रांस के प्रतिष्ठित एकोल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में वरिष्ठ सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण लिया। राजनीति से पहले मैक्रों ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया और वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव ने उनके राजनीतिक करियर के लिए एक अनूठी पृष्ठभूमि प्रदान की। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में मैक्रों ने विभिन्न मंत्रियों के सलाहकार के रूप में काम किया और फिर वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मैक्रों को उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद वर्ष 2014 में मैक्रों अर्थव्यवस्था, उद्योग और डिजिटल मामलों के मंत्री बने और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स की शुरुआत की। मैक्रों की राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने साल 2014 में आमिया में एक नई पार्टी ओमाश की स्थापना की। मैक्रों के दल को वामपंथियों से लेकर केंद्रवादियों और केंद्र दक्षिण पंथी राजनेताओं और दलों का समर्थन मिला। जब हम अपना मूवमेंट देखते हैं तो मैं जानता हूं कि हम सफल होंगे। हाँ, हम सफल होंगे फ्रांस और फ्रेंच लोगों को यूनिफाई करने में और स्वीकार कराने में। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब मैक्रों ने अपनी प्रतिद्वंद्वी मारीन ले पेन को भारी बहुमत से हराकर वर्ष 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है, जो आश्वासन देता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश अग्रेसर होने के लिए तैयार हैं। कर्तव्य पथ टुडे प्रीनिंग ब्यूटिफुली प्रिटिफाइड द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द सीपीडब्ल्यूडी हैज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड दिस इज द एरिया ऑपोजिट द सैल्यूटिंग बेस ऑल डन अप इन फ्लावर्स adorning this space, adding a glow of their own. In fact, many agencies have come together to make sure that history, tradition and ceremonial protocol all get context for this celebration, anchoring the present in a stability that has weathered many storms. Signal वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट जो कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा संभाले हैं, जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम और स्पीकर्स बहुत महत्वपूर्ण यहां मौजूद दर्शकों के लिए।
In fact, the exceptional quality of sound that you can hear that covers Kartavya Path has been arranged by the One Army Headquarters Signal Regiment under the command of Colonel Rajkumar Mishra. माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार के नेतृत्व में दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर हैं सूबेदार अनूप सिंह। शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान भी पूरे किए जाते हैं और जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण भारत में ही किया गया है। In fact, a lot of preparation, training, and rehearsals go into ensuring that everything works like clockwork. It's a proud moment for every soldier, every participant here to take part in this parade, and right across our commentator's booth is the parade control center, where every movement, the music, the coming on of the music and the fading out, everything is going to be controlled here from the parade control center. कई एजेंसियां मिलकर पूरे समन्वय के साथ काम करती हैं और फिर इस विशाल और भव्य समारोह का खूबसूरत आयोजन होता है। इधर दूरदर्शन ने आप तक उत्तम प्रसारण पहुंचाने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं आइए देखते हैं। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के सजीव एवं सुचारू प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ, इंडिया गेट एवं नेशनल वॉर मेमोरियल से प्रसारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 60 अत्याधुनिक हाई डेफिनेशन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से 28 कैमरे कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं। जिनसे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। 15 हाई डेफिनेशन कैमरे इंडिया गेट पर और 12 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन पर लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा डायनेमिक एरियल शॉट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 80 फीट से ऊंची 3 हाइड्रोलिक क्रेन्स और 6 जिमी जिप कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोलिक क्रेन्स को इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर लगाया गया है। 2 जिमी जिप को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर तथा 1 जिमी जिप को राष्ट्रपति भवन पर लगाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 6 PTZ कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। उच्च स्तरीय तकनीकी प्रसारण तथा लगभग 60 कैमरों में उचित समन्वय के लिए राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर 3 हाई डेफिनेशन OB वैन्स की व्यवस्था की गई है। स्पष्ट ऑडियो सिग्नल्स एवं परेड में भाग ले रहे विभिन्न मार्चिंग दस्तों के कमांड सुचारू रूप से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए विशेष डायनामिक माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद OB वैन्स को ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स की मदद से दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है, जिससे उच्च गुणवत्ता के हाई डेफिनेशन सिग्नल्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
देश के 75वें गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण समारोह के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले लगभग 3 महीने से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। The elaborate arrangements made by Doordarshan to bring you this ceremony live from Kartavya Path. We're now at the National War Memorial. That was